प्रश्न 10, फलन एफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर बटे एक्स जबकि एक्स जीरो के बराबर नहीं है, बराबर है जीरो जबकि एक्स जीरो के बराबर है, बिंदु एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीय है, तब एक्स बराबर जीरो पर एफ एक्स का दाया अवकलज का मान है क माइनस एक, ख एक, ग जीरो और घ अपरिमित। हमें यहां दायां अवकलज निकालना है, तो दायां अवकलज राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश जीरो प्लस जीरो होगा और यह मान होगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच। अब एफ जीरो प्लस एच, इसके लिए हमें ये वाला फलन का मान देखना है और एक्स को जीरो प्लस एच से रिप्लेस कर देना है, तो मान हो गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन एच स्क्वायर बटे एच माइनस एफ जीरो। जब एक्स बराबर जीरो है तो फलन का मान हमें जीरो मिला है, तो एफ जीरो का मान जीरो हो गया बटे एच, ये हमने प्राप्त किया। सरल करते हैं तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन एच स्क्वायर, ये एच और ये एच मल्टीप्लाई हो जाएंगे अपॉन एच स्क्वायर, ये हमने प्राप्त किया। अब हम जानते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स का मान एक होता है। अब यहां एंगल है एच स्क्वायर और यहां भी है एच स्क्वायर, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन एच अपॉन एच का होल स्क्वायर और ये मान एक के बराबर है, तो एक का स्क्वायर अर्थात एक। इस प्रकार हमने दायां अवकलज प्राप्त किया, दायां अवकलज एक है, तो यहां विकल्प ख सही है, दायां अवकलज का मान एक के बराबर है।